सनातन धर्म में दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। सभी लोग बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार की तैयारी लोग महीनों पहले से शुरू कर देते हैं। घर की सफाई से लेकर नई चीज़ें खरीदना, नए बर्तन खरीदना, नए कपड़े खरीदना आदि शुरू हो जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है, जिसके बाद इसका समापन भाई दूज पर माना जाता है। 5 दिन चलने वाला यह पर्व, इसकी तैयारी लोग महीनों से शुरू कर देते हैं। धनतेरस पर विशेष रूप से देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में धनतेरस पर सभी को सोना खरीदना, चांदी, धनिये के बीज, बर्तन और साथ ही दिए खरीदना शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन झाड़ू खरीदने का भी प्रचलन है। इस साल 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन झाड़ू खरीदना और उसकी पूजा विधि अनुसार करना बहुत महत्वपूर्ण व शुभ माना जाता है। आचार्य पंडित प्रकाश जोशी बताते हैं कि धनतेरस पर सोना, चांदी, धनिये के बीज और बर्तनों के साथ ही झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए। झाड़ू धनतेरस पर खरीदना जितना शुभ उतना ही महत्वपूर्ण भी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी घर छोड़कर नहीं जाती, साथ ही साथ झाड़ू खरीदने से पुराने कर्जों से छुटकारा मिलता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही इस दिन सीखों वाली या फिर फूल वाली मजबूत झाड़ू खरीदनी चाहिए। उसके बाद उस पर सफ़ेद रंग का तागा बांध लेना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए घर पर बनी रहे। खरीदे हुए झाड़ू की विधि अनुसार धनतेरस के दिन पूजा की जाती है। धनतेरस पर अन्य सामान बर्तनों के अतिरिक्त सोने चांदी के अतिरिक्त झाड़ू खरीदना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन दो चीज़ें, झाड़ू खरीदना और धनिये का बीज, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। झाड़ू जहाँ तक संभव हो सीक वाली झाड़ू या फूल वाली झाड़ू खरीदनी चाहिए, उस पर सफ़ेद धागा बांध देना चाहिए। झाड़ू क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है इसको, और सफाई का प्रतीक भी। विधि में इसमें वही लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है, और ख़ासकर कुबेर जी की ओम ह्रीं कुबेराय का जप 108 बार यदि हो सके। और उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया लोकल 18 के लिए।